न्यू बुक सेट, न्यू चैनल, क्या ये सब? मैं नहीं था सर, यही दोनों आपस में बात कर रहे थे। चुप, 25 अप्रैल तक रुका नहीं जा रहा तुमसे। 2.0 की ऐसी कोई अफवाह न फैलाए। 25 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पर आए। हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग एजुकेटर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। प्यारे साथियों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ हैं और अपनी सुरक्षा अपने हाथों में ही है। सुरक्षित रहें, जितना सुरक्षित रहेंगे आगे उतनी ही ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी। ठीक है ना, जीवन है तो अपॉर्चुनिटी है, जीवन नहीं तो फिर अपॉर्चुनिटी क्या, इसका बात की तो इसलिए सुरक्षा का ज़्यादा ध्यान रखा जाए। सबसे सर्वोपरि तो अभी उसी इस समय जो है वो यही है कि सुरक्षित रहें। ठीक है, घर में रहें और पढ़ते रहें। बस घर में रहेंगे तो पढ़ते रहेंगे, घर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो आप अपने को भी खतरे में डालेंगे, फैमिली को भी, और पढ़ाई से भी वंचित हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए घर पे रहेंगे, पढ़ते रहिए बस, बाकी और कुछ नहीं। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करें। देखो 25 अप्रैल को एक बड़ा ही धमाकेदार 2.2 के नाम से इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो भी होगा वो मुझे भी नहीं पता, सीरियसली सच में ही नहीं पता, मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग होगा वो सभी के लिए, इवन फैकल्टीज के लिए भी है वो। आपके लिए तो है ही, हमारे लिए भी, हम भी बड़े उत्सुक हैं कि क्या है ये, क्या होगा, क्या हो सकता है, बस वो ही जाने जो इसको चला रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 11 बजे भूलना मत, 25 अप्रैल, ठीक है ना। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से देखेंगे सभी बच्चे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग गया है भाई, देखो जल्दी, इसकी पैड कर देना। इसकी पैड एड चल रहे हैं ना, क्या करना पड़े? ठीक है, एमी सर की तबीयत खराब है इसलिए उनकी क्लास नहीं हो रही है। ठीक है, पुलकी सर अपने घर हैं, वो फंस गए हैं लॉकडाउन में। एमी सर की क्लास, वो तबीयत खराब होने की वजह से अभी नहीं कर पा रहे हैं, वो आ जाएंगे जल्दी ही, आपके सामने उपस्थित होंगे। देखो क्या कह रहे हैं भाई, एक परिवार में 5 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई, ए इज एल्डर देन सी, ए जो है सी और डी से बड़ा है, ए जो है किन किन से बड़ा है, ए दोनों लोगों से बड़ा है सी और डी से, लेकिन हमें इन दोनों के बीच में नहीं पता कि सी डी से बड़ा है या डी सी से बड़ा है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि ए इन दोनों लोगों से बड़ा है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है बी एज इज बिटवीन ए एंड सी, बी की जो उम्र है वो ए और सी के बीच में लाई करेगी। मान लीजिए ए और सी यहां पर है, ए और सी यहां पर है, तो ए और सी का देखो हमें फिक्स नहीं है कि ए इधर आएगा बी से, ए बी के लेफ्ट में आएगा, बी के राइट में आएगा, लेकिन बी जो होगा वो ए और सी के बीच में ही होगा, बी जो होगा वो ए और सी के क्या होगा, बीच में ही होगा। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है डी इज नॉट एल्डर देन बी एंड सी, और आपसे ये भी कहा गया है कि भाई ई इज द यंगेस्ट, बट ई इज द यंगेस्ट मतलब ई जो है सबसे छोटा है, ई जो है वो सबसे छोटा है। ठीक है, आगे आपसे कह रहा है डी जो है ना तो बी से बड़ा है और ना ही सी से बड़ा है, डी जो है ना तो बी से बड़ा है और ना ही सी से बड़ा है। अगर बी से बड़ा नहीं है और ना ही सी से बड़ा है तो फिर क्या होगा भाई, अगर ना तो बी से बड़ा है और ना ही सी से बड़ा है, बताइए क्या होगा फिर? तो आपने कहा कि सर ना तो बी से बड़ा और ना ही सी से बड़ा, ठीक, तो आप क्या करेंगे, यहां पे आप रख लेंगे किसको, डी को। ठीक है, फिर ए जो है सी से बड़ा है, तो बी जो है वो आपका ए और सी के बीच में है, और ए आपका सी से भी बड़ा है और डी से भी बड़ा है, ए जो है वो आपका किससे बड़ा है, सी से भी बड़ा है, डी से भी बड़ा है। अब आप कहेंगे सर डी आपने यहां क्यों रख दिया, यहां भी तो रख सकते थे डी, तो ए और सी के बीच में बी है, ए और सी के बीच में कौन है, बी है। फिर आप कहेंगे डी यहां रख सकते थे, नहीं, क्योंकि डी जो है ए और सी आपके क्या है, ए आपका जो है वो सी और डी दोनों से क्या है, बड़ा है, तो ये आपका डेफिनेट पे राइट हो जाएगा। आपसे पूछा है हु इज द सेकंड एल्डर मेंबर इन द फैमिली, मतलब दूसरा सबसे बड़ा कौन है, आप कहेंगे सर बी, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से देखेंगे सभी के सभी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा,
आपको बताना है कि भाई इसमें पेयर बताने हैं आपको, इसमें क्या बताने हैं। हाँ जी भैया, ये पैट के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्लास, ठीक है। ये वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एसएससी रेलवे, ठीक है, यूपीएसआई, सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सीईटी हो गया, सभी के लिए, जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, बैंकिंग को छोड़ के, बैंकिंग को छोड़कर बाकी सभी में ये इंपॉर्टेंट है क्लास की, ठीक है। चलिए, वैसे बैंकिंग में तो ये क्वेश्चन आता है जरूर, हर हाल में एक नंबर का क्वेश्चन बैंकिंग में पूछा जाता है। फ्रीक्वेंट आपको पेयर बनाने, पेयर ये दो तरीके से बनाए जा सकते हैं पेयर। हाँ हाँ बेटा, मैं बोल रहा हूं, ले सकते हैं आप, ठीक है। ले सकते हो, इसमें बनाने पेयर, पेयर दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। या तो आप लेटर की हेल्प से डायरेक्ट कर लें, या जो लेटर आपको दिए गए इनकी प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का मतलब समझते हैं ना, कि एफ की प्लेस वैल्यू 6, आर की 18, ई की 5, क्यू की 17, यू की 21, ई की 5, एन की 14, टी की 20। अब यहां से देखिए, गिनती करना शुरू कर दीजिए, 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9, 10, 11, 12 नहीं बनेगा, पहले लेटर से पेयर नहीं बन रहा है। दूसरे से देखो, 18 के बाद 19, 20, 21, 18 से 21 वाला पेयर बन गया, 18 से 21, 19, 20, 21, यहां पे आके रुका, 21 पे जाके रुका है, एक पेयर बन जाएगा, फिर इसके आगे तो बन नहीं सकता। 5 से देखोगे 6, 7, 8 नहीं बनेगा, 17 से 18, 19, 20 नहीं बनेगा, 21 से बन नहीं सकता, 5, 14 इससे नहीं बन पाएगा, वो खराब है। ठीक है, 5 से देखोगे 6, 7, 21 से तो बनेगा ही नहीं, 5 से 6, 7, 14 से नहीं बनेगा, ठीक है। इधर से देखिए, बैकवर्ड देखेंगे, बैकवर्ड पीछे से देखिए, पीछे से देखिएगा, 20 से देखोगे 21, 22, 23 नहीं बनेगा, 14 से देखोगे 15, 16, 17, पीछे बैकवर्ड से देखेंगे तो एक पेयर और बन जाएगा, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं बनेगा, 5 से 6, 7, 8 नहीं बनेगा, 21 से बन नहीं सकता क्योंकि 22, 23 है ही नहीं आगे, 17 से 18 के बाद 19 नहीं बनेगा, 5 के बाद अगला 6 आएगा, यहां पे 7 आएगा तो नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ दो पेयर बनेंगे इसमें मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दो पेयर बनेंगे, दो। आप कहेंगे दो कौन से सर, एक तो 18 से 21 और एक आपका 14 से लेके 17, पीछे से देखोगे 15, 16, 17, आगे की सर फॉरवर्ड देखोगे तो 19, 20, 21, दो पेयर बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे, दो। अब आपने ये जो सीखा होगा दूसरे तरीके से भी सीखा होगा, आपने डायरेक्ट लेटर से भी सीखा होगा, जैसे लेटर से देख सकते हैं, आर से क्या देखेंगे, एस टी यू, आर से यू, ठीक है, फिर आपने देखा एन से ओ पी क्यू, ऐसे डायरेक्ट लेटर से भी देख सकते हो, आप लेटर से भी देख सकते हो, उनकी प्लेस वैल्यू से भी देख सकते हो, मर्जी आपकी, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जो भी लगे कि हाँ ये हमारे लिए बेहतर है, जिससे भी आपको सबसे बेहतर लगे उससे कर सकते हैं, डायरेक्ट लेटर से भी कर सकते हो, उनकी प्लेस वैल्यू से भी कर सकते हो, ठीक है, जो भी सुविधाजनक आपको लगे उससे कर लीजिए, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न देखें आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, इसको देखिए, राइट पे लेना एग्जाम प्रूफ, ठीक है ठीक है ठीक, इसको देखिए बच्चों, कह रहा है कि भाई यदि द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सिक्स्थ लेटर ऑफ द वर्ड भोपाल आर इंटरचेंज, मतलब एक वर्ड आपको दिया गया, क्या दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, भोपाल दिया गया, भोपाल, इसमें पहली और छठी डिजिट को, पहली और छठी डिजिट का स्थान आपस में बदल दिया, तो क्या आ जाएगा, यहां पे एल आ जाएगा, यहां पे बी आ जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि सिमिलरली द पोजीशन ऑफ द सेकंड ऑफ एंड फिफ्थ लेटर, मतलब दूसरे और पांचवे, इसी प्रकार दूसरे और पांचवे लेटर की स्थिति बदल दीजिए, ए और एच। फिर आगे इसी प्रकार से एंड थर्ड एंड फोर्थ लेटर आर इंटरचेंज, तीसरा और चौथा मतलब पीओ हो जाएगा, ठीक है। तब आपसे कह रहा है इन द न्यू अरेंजमेंट दस फॉर्म हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर बिटवीन द सेकंड लेटर फ्रॉम द राइट, राइट से सेकंड लेटर आपका एच एंड लेटर सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, और बाएं से सेकंड लेटर आपका ए, ठीक है।
इन द अल्फाबेटिकल सीरीज, तो आपको ये बताने कि भाई हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर बिटवीन, मतलब ए और बी, भाई राइट से दूसरा और बाएं छोर से दूसरा, ये जो दो लेटर हैं इनके बीच में कितने अल्फाबेट होंगे। आप जानते हैं सर ए की प्लेस वैल्यू 1 और एच की प्लेस वैल्यू 8, तो इनके बीच में कितने होंगे, 6 होंगे नहीं होंगे। भाई भाई एक से लेकर 8 तक तो गिनती होगी, ए आपका 1 ने कवर कर लिया और एच आपका 8 ने, तो बीच में कितने होंगे, 6 ही तो होंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल इनके बीच में कितने लेटर होंगे, 6 लेटर होंगे। 6 आपको किस में दिया गया, डी ऑप्शन में दिया गया, डी ऑप्शन राइट। 6 आपको किस में दिया गया बेटा, डी ऑप्शन में दिया गया। देख सकते हो ए और एच के बीच में, ए और एच के बीच में कौन कौन से लेटर हैं, ए और एच के बीच में आप कहोगे सर बी सी डी ई एफ जी। अब गिन लीजिए 2, 4, 6, 6 लेटर होंगे नहीं होंगे इन अल्फाबेट्स के बीच में, तो वही तो पूछ रहा है, अरे वही तो पूछ रहा है ना, तो डी ऑप्शन राइट हो गया। डी ऑप्शन आपका क्या होगा बेटा, राइट होगा। क्लियर है सभी को या नहीं, भाई राइट से दूसरा एच, बाएं से दूसरा ए, दाएं से दूसरा एच, बाएं से दूसरा ए, ए और एच के बीच में कितने लेटर हैं, 6 लेटर हैं। इतना समझाने वाला था नहीं, लेकिन कुछ बच्चों ने कुछ गलती किया है तो इसलिए मैंने ठीक से बता दिया उसको, ठीक है। आगे देखिएगा बच्चों, इसको बताइए जल्दी सभी। मेरे हिसाब से शायद इसमें अब ऐसा कुछ था नहीं जो ना समझने लायक हो। लेकिन समझ आपको तो वही है ना, कुछ नया नहीं पढ़ सकते आप, कुछ नया सीख नहीं सकते। इसको देखिए, कह रहा काउंसिल्स मिनिस्टर्स, ठीक है, काउंसिल्स मिनिस्टर्स, ठीक है भाई, जो आपकी काउंसिल्स होती है वहां काउंसिल क्या है, एक तरीके से मिनिस्टर्स को क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूट करती है, मिलाती है, बनाती है, मतलब एक तरीके से वहां सारे के सारे काउंसिल्स में मिनिस्टर्स आते हैं, काउंसिल होती है उनकी, ठीक है। तो आपका क्या है, बैंड म्यूजिशियन हो सकता है कि भाई जो बैंड है वो क्या है, एक म्यूजिशियंस के, म्यूजिशियंस ही तो होते हैं बैंड में, बैंड जो किससे कॉन्स्टिट्यूट होता है, काउंसिल किससे कॉन्स्टिट्यूट होती है, आपकी मिनिस्टर्स से कॉन्स्टिट्यूट होती है। भाई काउंसिल्स किससे मिलकर बनती है, मिनिस्टर से ही तो मिलकर बनती है। इसी प्रकार से बैंड कहा जाए कि ये तेरा बैंड है, तो बैंड क्या, एक म्यूजिशियंस होते हैं उसमें सारे, बहुत सारे, कोई ड्रम वाला होता है, कोई तबला वाला होता है, कोई गाने वाला होता है, बहुत सारे, वो एक साथ मिलकर उनको क्या बोला जाता है, म्यूजिशियंस बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो सकता है टीम एम्पायर, ऐसा तो है नहीं टीम जो है एम्पायर बनाती मतलब ही नहीं है। स्टूडेंट टीचर कोई मतलब ही नहीं है। किंग पैलेस, राजा पैलेस, राजा पैलेस को वो कॉन्स्टिट्यूट करता है क्या, कैसी बेहूदगी सी बातें। सो ए ऑप्शन राइट, ठीक है, ए ऑप्शन आपका कैसे हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी को, आगे बढ़े, आगे देखिए बच्चों। चलिए चलिए बेटा देखो क्या कह रहे हैं, विवीपेरस मंकी, बंदरों के द्वारा जो जन्मे हुए बच्चे को हम विवीपेरस बोलते हैं, बंदरों के द्वारा जो जन्मे बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, विवीपेरस बोलते हैं, ठीक है। ओविपेरस पक्षियों के द्वारा जन्मे हुए बच्चे को, जो पक्षी जो क्या कहते हैं, अंडे देते हैं, अंडे के रूप में करते हैं ना, जन्म देते हैं बच्चों को, तो उसको ओविपेरस बोलते हैं। बर्ड्स जो आपके अंडे के रूप में बच्चों को देते हैं जन्म, उसको बोलते हैं ओविपेरस, ठीक है। और बंदरों के द्वारा जो इंसानी रूप में जो दिए जाते हैं जन्म बच्चों को बंकी द्वारा, उसको बोलते हैं विवीपेरस, ठीक है, विवीपेरस। सो राइट आंसर विल बी ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा बेटा, राइट आंसर होगा। क्लियर है बात ये, आगे देखिएगा, इसको देखिए क्वेश्चन को सभी के सभी। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार है, बेहतरीन है, जल्दी से देखिएगा और लगाइएगा सभी। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, सेशन पसंद आता है ताबड़तोड़ लाइक लगने चाहिए, इतनी कंजूसी सही नहीं रहती कि सिर्फ एक आपकी उंगली, आपके कमेंट करने में उंगली नहीं दुखेगी, है ना, कमेंट में भटाभट भटाभट आप लगे रहते हैं, कमेंट पूरा दिन कमेंट करते रहते हैं, लेकिन एक फिंगर को एक प्रेस करना वो आपके लिए दुखद है, एक उंगली को दबाना सिर्फ कि उससे लाइक हो जाएगा, टीचर को थोड़ी तसल्ली मिल जाती है कि चलो बच्चे
पढ़ रहे हैं, साथ में अगर 632 बच्चे देख रहे हैं तो 378 बच्चों लाइक देखकर टीचर दुखी ना हो, ठीक है। वो कम से कम ये संतुष्टि कर ले कि 600 देख रहे हैं तो 600 लाइक भी हैं, मतलब 600 बच्चे बड़े आनंद के साथ में देख रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है जबरदस्ती तो दिखाया नहीं जा रहा आपको, आप अपनी मर्जी से आए। जब आप अपनी मर्जी से आए हैं तो क्या उसको एक बटन को दबाने में, कॉमेंट करने में आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लाइक के बटन को दबाने में आपके सिर में दर्द हो जाता है ना। चलिए, बड़ी अजीब सी बात है सीरियसली, मतलब मुझे बड़ा अचंभा सा होता है जब आप इस तरीके से करते हैं। देखिएगा आप सीधी सी, ये तो सिंपल है, ये छोटे छोटे नंबर ऑब्वियस सी बात है इसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ये छोटे छोटे नंबर इसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, यहां पर आपको पता करना है कौन सा नंबर है, ये दोनों मिलकर आपके इसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। आप कहेंगे सर 42 और 18 जोड़कर घटाने से तो आ नहीं सकते, जोड़ घटाने से आ नहीं पाएंगे, स्क्वायर क्यूब का कोई मतलब ही नहीं है दूर दूर तक। ऑब्वियस सी बात है डिवीजन करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है कि गुणा ही होगी, गुणा होगी। तो आपने क्या 18 दूनी 36, 18 3 4 18 4 72, 72 और 3 75, 756। आप कहेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया 252 से, लेकिन आप कहेंगे सर वहां 2 है यहां 6 है, तो यहां 6 है यहां 2 कैसे आया जा सकता है। आप कहेंगे सर इसको 3 से भाग कर दीजिए पूरे को, तो देखो 3 से जब इसको लास्ट वाले डिजिट को भाग करोगे तो 2 आएगा। तो आप कहोगे कि सर इस पूरे नंबर को अगर मैं 3 से भाग कर दूं तो मे भी संभावना हो सकती है 252 आने की। आपने देखा 3 दूनी 6 3 5 15 3 दूनी 6 252, इट मींस आपको टोटल को गुणा करके 3 से भाग कर दीजिए, टोटल को गुणा करके 3 से भाग। इसी प्रकार से देखो 37 24, 3 से भाग करोगे 8 8 7 56, 8 3 24 24 5 29, 296। इधर आप देखोगे तो 36 को भाग करिए ना 54 से, तो आप करेंगे 9 6 54 और 3 4 5 4 15 6 60, इट मींस 15 आ जाएगा, 15 कह रहा हूं गलती, एक सेकंड, आपने भाग किया 12 इति 36, 12 चौक 48, 6 12 पंजे 60, 45 आएगा, 45 बी ऑप्शन राइट। क्योंकि आपको ना आपको 3 से भाग भी करना है, ठीक है। इसके साथ में देखो ये कैसे, मैं बताता हूं कैसे, x गुणा 36 बटे 3 बराबर 540 तभी आएगा। तो आपने देखा 3 से भाग करोगे 12 आ जाएगा, और इससे काटोगे तो कितना आएगा 45, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 आ जाएगी, जो आपकी हमने यहां मानी है, ठीक है। सो 45 विल बी योर राइट आंसर, 45 आपका कैसा होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए जल्दी से सभी बताएंगे इसको, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को, बड़ा ही शानदार है प्रश्न है ये आपके सामने, जल्दी से देखिएगा, शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से सभी देखेंगे और बताएंगे सभी क्या होगा भाई। भाई प्लीज यार, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मुझे मत हंसाओ एटली, और मत बोलो, देखो उन्होंने पढ़ाया है आपको, ठीक है, क्या आप मतलब हद है, आप कितने साल से पढ़ रहे हैं पता है, कितनी मेहनत की है, मैं जानता हूं उनको कि उन्होंने पुलकित सर ने आपके लिए कितनी मेहनत की है, ब्रिलियंट टीचर हैं वो, ठीक है, इट मींस रेस्पेक्ट दिल से होनी चाहिए उनके लिए। चलिए इसको देखिए, इसको बताओ जल्दी सभी बच्चे, बताइए बात की बातें कम, अभी भी देखो लाइक क्या है, अभी भी कंजूसी, मतलब इतने, मैं समझता था कि गांव में बड़ा दिल होता है बच्चों में, लेकिन गांव वाले भी बड़े सीधे अलग ही अब एक्टिव होते जा रहे हैं, वो उनको भी चाहिए कि मुझे शहर की हवा दिखाइए, है ना, अरे जैसा व्यवहार है वैसा रखिए। आगे देखो, आगे देखो बच्चा, जल्दी से बताइए जल्दी क्या होगा इसमें। तो आप कहेंगे सर 6 8 48 और 10 गुणा करेंगे तो 480, लेकिन आप 10 से भाग कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है 48 आ जाएगा, 6 5 30 4 120, 10 से भाग कर दोगे तो 12 आ जाएगा, 8 9 72, 8 5 40, 40 9 4 36, 360 बटे 10 मतलब 36 आ जाएगा, सी ऑप्शन राइट, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का कैसे हो जाएगा राइट, ठीक है। अरे तो कंजूसी खाने पीने में या बाहर घूमने में तो करते हैं, हैं कि मतलब जाना है उससे जाना है बस से जा रहे हैं, पैदल ही चल दिए 10 10 10 10 किलोमीटर, ठीक है, लेकिन वो मेहनती बहुत होते हैं, वो चल, देखिए हम नहीं चल सकते, वो चल पाते हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने मेहनत करना जानते हैं वो लोग, ठीक है।
हाँ तो ब्लेंसर से तुम्हें भी हूं। चलिए इसको देखिए, अगला प्रश्न देखिए, समझ आ गया होगा, ऐसा नहीं होगा शायद कोई जिसको ना समझ आया हो ये क्वेश्चन। इस प्रश्न को देखिए जल्दी से सभी। इसको देखिए बच्चे जल्दी से। डी जे क्वेश्चन मार्क एस वी एक्स, ठीक है। डी से जे, आप कहेंगे सर कैसे छह का अंतर है, आप कहेंगे सर कैसे बता दिया, डी की प्लेस वैल्यू चार होती है, जे की दस होती है, अंतर देख लीजिए। एस की प्लेस वैल्यू उन्नीस होती है, वी की होती है बाईस, कितने का अंतर है, तीन का अंतर है। वी की प्लेस वैल्यू बाईस, एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, चौबीस, कितने का अंतर है, दो का अंतर है। आप कहेंगे सर यहां छह का, यहां तीन का, यहां दो का, तो दो तीन तो यहां चार का हो सकता है भाई, दो तीन के बाद चार, और यहां फिर कितने का होगा, पांच, और फिर अगला नंबर छह, इतना तो आइडिया आप लगा ही सकते हो, दो तीन चार पांच छह। अगर यहां जे और यहां क्वेश्चन मार्क में पांच का अंतर है, मतलब दस और पांच कितना, पंद्रह, और पंद्रह किस लेटर की प्लेस वैल्यू होती है, ओ की प्लेस वैल्यू होती है, ओ की, ठीक है, किसकी होती है, ओ की, और पंद्रह और चार उन्नीस, बिल्कुल सही, ठीक है। सो बी ऑप्शन राइट, बी ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का कैसा हो जाएगा, डेफिनेट में राइट आंसर है। क्लियर है बात, ये बात क्लियर है या नहीं, आगे देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। इस क्वेश्चन को देखिए, बताइए सभी बच्चे जल्दी से, बताओ बच्चों जल्दी से सभी, इस क्वेश्चन को बताइए सभी बच्चे। इसको देखिए, इसको देखिए भाई, जेड डी आई एन एस वाई डी के, आप जानते हैं कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, आप कहेंगे सर डी चार और सात, सात का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है, आप कहोगे उन्नीस और छह पच्चीस, छह का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है, आप कहोगे सर नौ और पांच चौदह का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है, आप कहोगे सर चार का अंतर है, जेड के बाद अब ए बी सी डी, चार का अंतर होगा, कितने का अंतर होगा, चार। अब यहां कितना आना चाहिए अंतर, आप कहेंगे सर आठ का अंतर आना चाहिए, कितने का अंतर आना चाहिए, आठ का, ठीक है। तो लेकिन कहेंगे सर आना क्या चाहिए, देखो आप यहां देखोगे तो आठ का अंतर तो यहां भी मिल जाएगा, कैसे सर, सोलह आठ चौबीस होते हैं ना, पी की प्लेस वैल्यू सोलह, एक्स की प्लेस वैल्यू चौबीस, सोलह आठ चौबीस का अंतर तो यहां भी है, और एक्स और पी यहां भी आपका कितने का अंतर है, आठ का अंतर है, लेकिन ये नहीं होगा, पी क्यू ये नहीं हो सकता, एक्स ओ ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये दोनों तो नहीं होंगे किसी भी कीमत पे, क्योंकि आठ का अंतर हो। लेकिन आप कहोगे सर कैसे, एक्स और पी में कैसे देखा जाए, तो आपने देखा डी से आई, डी से आई कितने का अंतर है भैया, पांच का अंतर है, पांच का, डी से आई भाई, डी की प्लेस वैल्यू चार, आई की नौ, कितने का अंतर है, नौ चार पांच का अंतर। एन से एस, चौदह पांच उन्नीस, पांच का अंतर है भैया। वाई से डी, आप कहेंगे सर पांच का अंतर है, वाई के बाद जेड, फिर ए बी सी डी, चार, चार और एक पांच का अंतर है। के से फिर पांच करोगे तो के क्या प्लेस वैल्यू होती है, ग्यारह, और ग्यारह में पांच एड करोगे तो कितना होता है, सोलह, सोलह किसकी होती है, पी की, और पी में आठ जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, इट मीन पी एक्स विल बी योर राइट, पी एक्स आपका कैसा हो जाएगा, राइट आंसर, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पी एक्स ए ऑप्शन आपका राइट। देखो कैसे पता लगा है, आपने देखा पहले तो ये इन दोनों में, जैसे ये दोनों जेड डी आई एन, इनमें क्या है, हर एक बार बढ़ रहा है, एक एक चार पांच छह सात, तो अगला तो होगा आठ, मतलब इन दोनों लेटर में कितने का अंतर होगा, आठ का अंतर होगा। तो हमने वहां से ऑप्शन से देखा कि सर वो दो में है, ए और बी ऑप्शन में आठ का अंतर है, बाकी सी और डी में नहीं है। लेकिन आप कहेंगे सर आएगा कौन सा, तो आएगा कौन सा, हमने देखा डी से आई नेक्स्ट, आई एन से एस नेक्स्ट, वाई से डी नेक्स्ट, कैसे नेक्स्ट आपका क्या होगा, पी, क्योंकि हर बार पांच का अंतर है, हर बार पांच का अंतर, ठीक। आगे देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए सभी बच्चे जल्दी से। अबे ये रीजनिंग वाली तो है, इंग्लिश वाले थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं। ये कह लो कि पुलकित सर कहां है।
देखो ये है डाटा सफिशियंसी के क्वेश्चंस हैं, डाटा सफिशियंसी के क्वेश्चंस हैं ये। आपसे पूछा है कि बताइए भैया एज ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी की बीच का एज का अंतर कितना है, ए और सी की उम्र का अंतर क्या होगा ये बताना है आपको पहले स्टेटमेंट और दूसरे से। आपको ये चेक करना है कि पहले से दूसरे से अलग अलग बता सकते हैं, ठीक है, या दोनों से नहीं बता सकते, या दोनों को कंबाइन करके बता पाएंगे, कैसे बता पाएंगे। आपने देखा कि भाई जो आपका औसत आयु है एबीसी की वो कितनी है 20, तो आयु का सम कितना हो जाएगा, अगर औसत अगर 20 है तो सम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 20 या 60 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि सर ए इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल, ए जो है सबसे छोटा है, लेकिन ए के छोटे होने से हम कैसे पता लगा ले, ए जो है सबसे छोटा है ठीक है, लेकिन हमें बी और सी की भी तो पता होनी चाहिए तभी तो हम ए और सी का अंतर बता पाएंगे। आप कहोगे सर पहले के द्वारा तो हम नहीं बता पाएंगे, पहले के द्वारा हम आंसर नहीं बता सकते। फिर आपने देखा कि एवरेज एज ए और बी की औसत आयु 17.5 है, अगर औसत आयु 17.5 है तो आयु का सम कितना होगा, आप कहेंगे सर 17.5 का दोगुना 35 हो जाएगा। कह रहा है एवरेज एज ऑफ बी एंड सी इज 22, अगर औसत आयु बी और सी की कितनी है 22 है तो सम कितना हो जाएगा, 22 × 44 हो जाएगा। अब आपको ए और सी का अंतर ही तो पूछा है तो भैया घटा दो ना, यहां से घटाओगे तो ये बी से तो बी कट जाएगा, ए माइनस सी कितना हो जाएगा, आप कहोगे सी माइनस ए आएगा वैसे क्योंकि ये वाली संख्या ज्यादा है ना, तो आपसे ए और सी का अंतर का मतलब ये नहीं है कि ए माइनस सी, ए और सी का अंतर पूछा है तो कुछ भी बता दो, सी माइनस ए बता दो या ए माइनस सी बता दो, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव आनी चाहिए। तो आप देखोगे सी माइनस ए तो आप कहोगे सर 11 आएगा, तो सी और ए की बीच का जो अंतर है, सी और ए की उम्र का जो अंतर है वो कितना है 11 है। ये हमने किसके द्वारा बता पाए हैं, हम ये दूसरे के द्वारा बता पाए हैं, पहले के द्वारा हम नहीं बता सकते लेकिन दूसरे के द्वारा हम बता सकते हैं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ओनली सेकंड इज सफिशियंट, ओनली सेकेंड इज सफिशियंट विल बी राइट। बेटा दूसरे के द्वारा ही बता सकते हैं, पहले के द्वारा तो नहीं बता सकते ना, हमें तो पहले का तो ये देखिए औसत दे रखी थी, हमने सम निकाल लिया 60 आ गया, लेकिन आपसे कह रहा है ए सबसे छोटा है, भले ही सबसे छोटा है पहले बी और सी की भी तो पता चलनी चाहिए क्योंकि हमें इन दोनों का अंतर ही तो पता करना है, ए और सी के बीच का अंतर क्या है, ए और सी के बीच का अंतर क्या है यही तो पता करना है, ठीक है। चलिए कटवाते रहो आप जितना कटवाना है, पढ़ाई पे ध्यान मत देना, कटवाते रहना बस। चलिए इधर देखिए बच्चों सभी, ये भी सेम वही है, ये भी सेम वही है, डाटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है, देखिए सभी बच्चे जल्दी से। चलिए बच्चों बताओ, और शेयर भी करते रहो, 960 तक चले गए थे लेकिन फिर वही आपकी मतलब आपको पढ़ना नहीं होता क्या है, फास्ट चल रहे हैं, फास्ट ही चल रहे हैं आज, क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं। देखिए क्या कह रहा है, छह दोस्त हैं सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, हु इज सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो। आपसे पूछा गया है कि भाई एंड पे कौन बैठा है, एंड पे, तो आप कहेंगे सर बी जो है वो आपका ए और सी के बीच में बैठा है, बी जो है वो ए और सी के, अब ए और सी बी के लेफ्ट में है या ए और सी बी के राइट में, ए के बी के राइट में ए है या बी के राइट में सी है हमें नहीं पता, तो हम ये कहते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में बी है। फिर कह रहा है ई सिटिंग बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में कौन है, ई है, डी और एफ के बीच में कौन है बच्चों, ई। जिस प्रकार से ए और सी के बीच में बी, उसी प्रकार से ई के बीच में डी और एफ, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता बी के लेफ्ट में ए है या बी के राइट में ए है, ई के लेफ्ट में डी है या ई के राइट में डी है, तो हम इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं। फिर आपसे कह रहा है सी और डी जो है वो पड़ोसी हैं, सी और डी जो है वो पड़ोसी हैं, ठीक है, सी और डी पड़ोसी हैं, तब आपने क्या करना है, आपने देखा कि मान लिया भी सर हमने ये लिख दिया ए बी सी, बी जो है ए और सी के बीच में है, सी और डी जो है पड़ोसी हैं, और ई जो है डी और एफ का क्या है, पड़ोसी, ऐसे लिखा जा सकता है, आप कहेंगे सर लिख जा सकता है। एक कंडीशन ऐसी भी कि सर सी यहां ना के सी यहां जाए पहले ही, सी बी ए, इस केस में भी तो बी जो है सी और ए के बीच में ही होगा, इस केस में भी सी और ए के बीच में बी होगा, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि भाई सी और डी जो है पड़ोसी हैं, सी और डी जो हैं वो आपके क्या हैं, दोनों पड़ोसी हैं, ठीक है, थीके? तो आपने देखा सी और डी जो हैं दोनों पड़ोसी, और ई जो है वो डी और एफ का पड़ोसी है, ठीक है। तो ये दो संभावनाएं पहले द्वारा स्टेटमेंट से बन रही है, लेकिन आपसे पूछा है हु इज सिटिंग एट द एंड्स ऑफ द रो, एंड्स का मतलब है कि देखिए कोई भी पंक्ति है,
कोई भी पंक्ति है उसके दो छोर होते एंड्स, एस लगा दिए, एक तो कहता है एंड, एक होता है एंड्स, मतलब एंड्स का मतलब है कि बताइए रोग में कौन कौन है भाई, वो दोनों पूछने जा रहा है कि पंक्ति के दोनों एंड पर कौन है भाई। कोई पंक्ति है तो शुरू भी होगी और खत्म भी होगी, अगर मान लीजिए कोई पंगत बैठा दीजिए दावत के लिए तो पंक्ति का शुरुआत भी होगी कहीं से और अंत भी होगा, अगर कोई रायता लेके चल दे शुरू से तो अंत पे जाके खत्म करेगा या वो चलते ही जाएगा, शुरू करेगा पंक्ति में रायता बांटना तो लास्ट तक लेके भी जाएगा, तो इसलिए कहा जाता है कि शुरू भी है पंक्ति का और अंत भी है, इसलिए पंक्ति के दो छोर होते हैं। तो उसने दोनों छोर पूछे कि दोनों छोर पे कौन है, तो आप कहेंगे ये जो दो संभावनाएं निकल के आई हैं सर हमने देखा ये पंक्ति के दो छोर पे ए और एफ है, तो इस संभावना में भी ए और एफ है और इस संभावना में भी ए और एफ है, मतलब इस पॉसिबिलिटी में ए और एफ यहां भी है और यहां भी है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल जब दोनों ही बातों से दोनों ही संभावनाओं से ए और एफ निकल कर आ रहा है तो हमारा पहले के द्वारा हम बता सकते हैं भाई सेम आ रहा है ना, अगर पंक्ति के छोर में अगर दो संभावनाएं बन रही हैं आपकी क्वेश्चन में और दोनों के जो पंक्ति के छोर हैं वहां दोनों पर्सन अलग अलग है तब तो आप कहेंगे सर हम ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन आप जानते हैं कि दोनों पंक्ति के छोरों पे सेम पर्सन बैठे हैं भले ही संभावना दो बन गई हो लेकिन वो सेम पर्सन है तो आप कह सकते हैं कि भाई सर हमें फर्क नहीं पड़ेगा ए और एफ ही बैठेंगे पंक्ति के छोर पे, ठीक है। सो ए और एफ आपका राइट। अब आपने देखा सेकंड ये वाला, अरे नहीं पढ़ना मत पढ़ो, ठीक है मुझे वाकई में सीरियसली फर्क नहीं पड़ेगा आपने, मतलब देखिए मैं जानता हूं कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, आपको भी मैं जानता हूं कि आप कितनी मेहनत से देख रहे हो, तो अगर आप ना भी देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो जानता है कि ये बंदा कितनी मेहनत कर रहा है जो आपके सामने आपको पढ़ा रहा है, वो कितने दिल से आपको मेहनत कर रहा है वो ऊपर वाला जानता है, आप नहीं जान पाएंगे, ठीक है। चलिए डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के दूसरे बाएं तरफ कौन है, डी है, एफ के दूसरे बाएं तरफ डी है, ठीक है, क्योंकि अननेसेसरी बच्चा कतई नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मैं एक बच्चा पढ़ाने के लिए तैयार हूं लेकिन सही और सही तरीके वाला होना चाहिए, गंवार तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। एफ के सेकंड लेफ्ट में कौन है, डी है, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ बी, और डी जो है वो बी के सेकंड राइट में है, बी के सेकंड राइट में डी है। फिर कह रहा है कि भाई एंड इन बिटवीन सी एंड ई, डी जो है वो सी और ई के बीच में है, डी जो है वो आपका कौन है, डी जो है ये सी और ई के कौन सा है, बीच में है। फिर आपसे कह रहा है कि भाई ए और बी जो है पड़ोसी है, बी यहां पर है, ये पड़ोसी तो सी या ई में से कोई एक है, तो ए आपका यहां हो जाएगा, ए और बी आपके पड़ोसी। अब आपसे पूछा है हु इज सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो, तो दूसरे वाले स्टेटमेंट से, ये दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरे स्टेटमेंट से भी ए और एफ क्या है आपके दोनों ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सर पहले स्टेटमेंट से भी ए और एफ आया था, दूसरे स्टेटमेंट से भी ए और एफ आया है, तो आप कहेंगे सर फिर तो दोनों ही अपने आप में सही है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, एक ही सही होगा, तब जब एक सही होगा तो आप क्या कहेंगे, या तो सर पहला ही सही हो जाएगा या दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है, या तो पहला ही सही होगा, जब भी कभी भी डाटा सफिशियंसी के अंदर जब भी कभी दोनों इंडिविजुअली सही होते हैं, जब भी कभी इंडिविजुअली दोनों सही होते हैं तो आप सीधा कहते हैं कि या तो पहला या दूसरा, अगर दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली राइट है तो या तो पहला होगा या दूसरा होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए आगे देखिए, अरे हिंदी में तो चलेगा भैया चलेगा, अरे मैं यहां पढ़ाऊंगा तो ऐसा थोड़ी नहीं वहां नहीं पढ़ाऊंगा, कैसी बातें कर दे हो सब जगह पढ़ाया जाएगा, मतलब मैं यहां पढ़ा रहा हूं तो बैंकिंग में नहीं पढ़ाऊंगा, बैंकिंग में भी पढ़ाता हूं, यहां भी आपके सामने हूं, इवन टीचिंग वाले स्कूल में भी, मतलब तीनों चैनल्स पे, एग्जामपुर पे भी, बैंकिंग वाले चैनल पे भी, और आपका टीचिंग वाले पे भी, अभी एक आधी चैनल जो बच रहा है उस पर हो जाएगा चलिए फॉक्स का है आपका 108, ठीक है, आपसे कह रहा है सूप कितना है 148, आपको बताना है अपसाइड का, बताइए जल्दी से कौन बताएगा, ऐसा बोल आप खुद बताइए, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं, आप अगर आपको मैं उल्टा बोलने लगूं आपको बर्दाश्त हुआ बर्दाश्त नहीं हुआ ना, तो ये मैं तो आपको सिखा रहा हूं तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं बताइए, मतलब आपको पढ़ाएं भी, आपको लिखाएं भी, फिर आपकी सुने भी, हैं आजकल माता पिताओं का बेचारों का क्या हाल हो रहा है, यही तो हाल हो रहा है, बच्चों को सिखाएं भी, बच्चों को पाले भी, पाल पोस कर माँ 9 महीने पेट में भी रखे,
फिर उसको बड़े लाड़ प्यार से पढ़ा के बड़ा भी करे, हैं? वो तो एहसान कर रही है, क्योंकि उसने तो गलती कर दी आपको पैदा करके, बहुत बड़ी गलती कर दी, क्यों किया था, है ना? अब तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। फिर आप उन्हीं को ही आंख दिखाएं जो आपको आपके भविष्य को एक उज्ज्वल बनाना चाहता है, आप फिर उसी को आंख दिखा दें, तो ये तो नाइंसाफी ना। तो ये मैं नहीं सह सकता, मैं तो एटलीस्ट नहीं सह पाऊंगा, ठीक है? भले ही मुझे कुछ भी हो, मतलब इन फ्यूचर कुछ भी हो, इवन छोड़ना पड़े, मुझे बर्दाश्त नहीं इस चीज से, वाकई में। चलिए, फॉक्स इज कोडेड एट 108, सूप का क्या होगा 148, ठीक है? आपको बताना है अपसाइड का क्या होगा, अपसाइड का क्या होगा, ठीक है? चलिए, तो आपने देखा कि सर इनकी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं पहले। एफ की प्लेस वैल्यू 6, ओ की 15, एक्स की 24, ठीक है? आप एडिशन करेंगे तो 24 और 15 कितना होता है, आप कहेंगे सर 39 होता है। 39 और 6 कितना होता है, 45। क्या 45 से 108 आ सकता है? 45 से 108 आप कहेंगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या सर? मल्टीप्लाई करने पे बहुत ज्यादा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई इसमें संभव नहीं है, ठीक है? आप कहेंगे सर 45 से क्या बातें बन सकती हैं, तो 45 में अगर 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 बात नहीं बन पाएगी, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 नहीं बात बनेगी 108। फिर आपने कहा कि सर इनके अपोजिट देख लीजिए एक बार, एफ फॉक्स के अपोजिट क्या होता है, एफ का अपोजिट यू, ओ का अपोजिट क्या होता है बेटा, ओ का अपोजिट होता है आपका क्या, एल, एक्स का अपोजिट क्या होता है, सी, इनकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है 21, एल की 12, सी की 3, जोड़ दीजिए 12 × 3 = 15, 15 × 15 = 30 और 6 = 36, 36 में 3 की गुणा कर दीजिए, 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9 और 1 = 10, 108। तो मतलब सीधा सा है, मतलब सीधा सा है कि भाई फॉक्स में नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 3, फॉक्स में नंबर ऑफ लेटर 3, तो फॉक्स का जो अपोजिट लेटर है उनकी प्लेस वैल्यू को जोड़कर जितने नंबर ऑफ लेटर फॉक्स में उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने नंबर ऑफ लेटर हैं, ठीक है, जितने नंबर ऑफ लेटर हैं फॉक्स के अंदर उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है? तो आपने देखा कि भाई फॉक्स के अपोजिट लेटर यू, एल, सी, इनकी प्लेस वैल्यूज को सम, देन उसके बाद उसको जितने नंबर ऑफ लेटर इसमें है उससे मल्टीप्लाई। सेम यहां भी अगर यही लॉजिक चलेगा तो ये ठीक है, अदरवाइज फिर गड़बड़े कहीं ना कहीं। एस का अपोजिट एच, ओ का एल, यू का एफ, पी का के, एच की प्लेस वैल्यू 8, एल की 12, एफ की 6, के की 11, 12 × 8 = 20, 6 × 26 = 36, 37, 37 में आपने नंबर ऑफ लेटर सूप में देखे 4, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12, 2 × 14 = 148, विल बी राइट, ठीक है? अब अपसाइड में देखिए, अपसाइड का अपोजिट क्या था, यू का एफ, पी का के, एस का एच, आई का आर, डी का डब्ल्यू, ई का वी, F की प्लेस वैल्यू 6, K की 11, H की 8, R की 18, W की 23, V की 22, 23 और 22 कितना होता है 45, 45 और 15, 60 और 3 63, 71, 71 और 11 कितना होता है 82, 82 और 6 कितना होता है 88, 88 अपसाइड में नंबर ऑफ लेटर कितने होंगे, अपसाइड में नंबर ऑफ लेटर 6, 6 × 48, 6 × 48 और 4 = 52, 528, डी ऑप्शन राइट, ठीक है? क्लियर है बात या नहीं? अरे बोलो, टाइम टेकन है इसमें, मैं बिल्कुल एग्री हूं इस बात से, मैं आपकी सहमत हूं कि टाइम टेकन है, ये क्वेश्चन टाइम टेकन है और प्लस लॉजिक भी है। देखिए ये इस टाइप के ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपकी प्रैक्टिस को दिखाते हैं कि आप कितना प्रैक्टिस में है ना। इवन मैं भी पेपर में होता, टाइम टेकन देखिए तब तक है जब तक लॉजिक कैच नहीं कर पा रहे, लॉजिक क्रैक होते ही टाइम के लिए फिर बिल्कुल भी नहीं, टाइम लगेगा ही नहीं, फिर मैटर करेगा आपकी स्पीड कैसी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, फिर आपकी स्पीड कैसी है, ठीक है, वहां मैटर होगा फिर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये तो बहुत ही फूहड़ क्वेश्चन है, एकदम नकली है, एकदम नकली क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम डॉन का 3, 4, 5, रोम का आपका, ये तो बहुत ही नकली क्वेश्चन है बच्चों, 6, 4, 2, यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ रैंडम, यू हैव टू गिव द आंसर रैंडम, रैंडम का बताना है आपको, रैंडम का बताना है, रैंडम का बताइए बच्चों। पुलकित सर आएंगे अगली वीक, ठीक है? क्या बोल रहे हैं बच्चे, बस 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 वही है, करिए जल्दी से, चल मैं कल पूछ लेना, आप कल में आ जाना, ठीक है? अभी मेरे को नहीं पता है, हाँ मुझे इतना तो पता है, एक तो ये वाला टाइम है 7 बजे, एक आपका सुबह 11 बजे है,
पुलकी सर का सुबह 11 बजे है और एक शाम को 7 बजे, ये दो तो मुझे पता है, बाकी का मैं कल कंफर्म करके कल बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए इसका बताइए, तो भैया यहां से निकाल लो ना, इसके कॉमन फाइंड यहीं से कर लीजिए। आर के लिए 6 और ए के लिए कितना होगा बेटा, 6 4 2 है, क्या है, 6 4 1 2 है, तो ए के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एन के लिए कितना हो जाएगा, 5, 6 1 5 कहां पर दिया गया, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां दिया गया है। डी के लिए क्या है बेटा, 3 है, 6 6 1 5 3, 6 1 5 3, तो यहां भी दिया गया भाई। फिर आपने देखा ओ एम, ओ के लिए क्या था, ओ के लिए क्या दिया गया, 4 दिया गया, तो 3 4 कहां दिया गया, 3 4 2 B ऑप्शन में दिया गया, 3 4 2 B ऑप्शन में दिया गया, ठीक है, 3 4 2 B ऑप्शन में आपको दिया गया है। आगे देखिए बच्चों, कितना टाइम हो गया, 45 हो चुके हैं ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, मतलब कह रहा है कि बीता हुआ परसों शुक्रवार था, तो आज क्या हो जाएगा, कोई भी बच्चा बताएगा कि सर आज रविवार हो जाएगा। अगर बीते हुए परसों, डे बिफोर यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ परसों, यस्टरडे से भी एक दिन पहले, बीते हुए कल से भी एक दिन पहले, डे बिफोर मतलब बीते हुए कल से भी एक दिन पहले क्या था, शुक्रवार था, तो आज क्या होगा, रविवार होगा या नहीं होगा, टुडे क्या होगा, रविवार होगा। व्हाट विल बी द थर्ड डे आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो, संडे से 3 दिन बाद क्या होगा, आप कहेंगे सर बुधवार होगा, ठीक है, बुधवार से भी डे आफ्टर टुमारो, बृहस्पति शुक्र, क्या हो जाएगा, फ्राइडे, नकली है एकदम, एकदम नकली, डी ऑप्शन राइट, ठीक है। इन्हें ब्लॉक मारो सभी बच्चों को यार, गधे कहीं के, 50 बार नहीं बताया आपके सामने पुलकी सर कब आएंगे, गधे कहीं के। जब से 1 घंटा हो गया बताया जा रहा हूं मैं इनको। चलिए आज के लिए मैं सेशन को इतना ही रखूंगा, तुम लोग पढ़ना थोड़ी नहीं है, तुम लोगों को सिखाए में आते रहते हैं बेवकूफ कहीं के, इतनी मेहनत कर रहा हूं समझ भी नहीं आ रहा आप लोगों को। चलो बाय।